सभी छात्रों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चाहे आप आईटीआई छात्र हैं चाहे आप नॉन आईटीआई छात्र हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर आईटीआई छात्र जुड़े हैं, तो मेन आईटी छात्रों के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है सभी छात्रों के लिए नौकरी को लेकर। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर ट्वीट करके कहा है कि हम अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियाँ जारी करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, डिटेल में वीडियो को बने रहना, अंत तक पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखिए, 8 घंटे पहले मोदी जी ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है, आप मोदी जी के जो मेन ट्विटर अकाउंट है पर जाकर आप देख चेक कर सकते हैं। तो देखो, उन्होंने कहा क्या है, कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली जाए, कितना टाइम रखा गया है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी निकालने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे होंगे जो नरेंद्र मोदी जी ने आज किया है, और ये किस लिए है देखो आप लोग चेक कर सकते हैं। इन्होंने कहा है, इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आप लोगों को, कि भैया अगले 1.5 साल में, है ना, अगले 1.5 साल में हम 10 लाख भर्तियां जारी करने वाले हैं। ये निर्देश दे दिए हैं गवर्नमेंट ने सभी डिपार्टमेंट को। क्यों दिए हैं? अब देखो, ध्यान रखना, थोड़ा सा इनका लॉजिक समझना डियर, क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाले हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं 2024 में चुनाव आने वाले हैं। अब चुनाव जीतने के लिए आप लोग जानते होंगे सबसे जो बड़ा सोर्स बना हुआ है वह है युवा, जितने भी बेरोजगार छात्र हैं, क्योंकि काफी सालों से भर्तियां नहीं देखने को मिल रही, जो भर्ती आ रही है बिक रही है, कुछ कुछ हो रहा है, मतलब कोई कंप्लीट नहीं हो रही, अनकंप्लीट हो रही है, ग्रुप डी की परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई। तो इसी आक्रोश को देखते हुए गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि जो आपका इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले हम आप लोगों के लिए 10 लाख भर्तियां जारी करने वाले हैं अगले 1.5 साल में, यानी कि चुनाव से पहले इनके नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है डियर, सभी डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिए जा चुके हैं कि सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी जो भी पदों का मुआयना करिए कि आपके पद, आपके डिपार्टमेंट में कितने कितने पद खाली पड़े हैं। ठीक है, अब एक मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर हमें अपडेट मिली है कि कितने कितने पद यहाँ पर निकाले जाएंगे। तो रेलवे की बात करें डीआर, अगर रेलवे की अगर हम बात करें, रेलवे में कितने पद निकाले जाएंगे, तो 2.5 लाख के समथिंग जो है पद यहां पर रेलवे में निकाले जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर डाक विभाग में, तो 90,000 पद और जारी किए जाएंगे, क्योंकि फिलहाल 38,000 पद तो और जारी हुए हैं, 90,000 पद डाक विभाग में और जारी किए जाएंगे। जो डिफरेंस है ना, आप लोग जानते होंगे डिफरेंस, मतलब जैसे SI वगैरह, GD वगैरह, पुलिस वगैरह, इसकी जो भर्ती है वो लगभग 1.5 लाख के समथिंग होगी, और जो आपका आर्मी है ना, आर्मी डिफरेंस, उसमें लगभग 2.5 लाख के समथिंग भर्तियां जारी की जाएंगी अगले 1.5 साल के अंदर। और जो बाकी की बची हुई है वो भैया जैसे टेक्निकली एग्जाम होते हैं, जैसे UPPCL हो गया, बिजली भाग वगैरह होंगे, बहुत सारे जो ITA छात्रों के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है सरकारी, क्योंकि काफी सालों से ITA छात्रों के लिए भी पेंडिंग पे वैकेंसी पड़ी हुई है। पिछले कई सालों से UPPCL में भर्ती जारी नहीं हुई, बिजली विभाग में भर्तियां बहुत कम देखने को मिली है, और इन्हीं को चलते हुए ITA छात्रों में भी थोड़ा सा यहां पर दिक्कतें पैदा हो गई हैं। तो ये अब आप लोगों के ITI छात्रों के लिए खासकर अब ये बहुत IMP होने वाला है, बहुत अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आपके लिए भी गवर्नमेंट ने अब ये जल्दी भर्ती जारी होंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कई हजार पदों पर ITI छात्रों के लिए यहां पर भर्ती जारी होंगी। वैसे तो सभी नॉर्मल कैंडिडेट फॉर्म सभी भर्तियों की जारी होंगी, क्योंकि जैसे रेलवे हो गया, पुलिस वगैरह हो गया, आर्मी वगैरह हो गया, है ना, और डाक विभाग हो गया, SSC वगैरह हो गया, इनमें भी लगभग सभी छात्र फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और जो खासकर आपके लिए जो कंपटीशन कम रहने वाला है तो वही रहता है ITI छात्रों में। ठीक है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा कंपटीशन कम देखने को मिलता है, तो आप लोग के लिए बेटर मौका रहने वाला है अगले 1.5 साल के अंदर, क्योंकि भैया चुनाव है, जो भी है सब कुछ आपके हाथ में है, यानी कि युवाओं के हाथ में है, सरकार को बनाना और गिराना दोनों सब आपके हाथ में है। तो इसी चीज को ध्यान में रखा है गवर्नमेंट ने कि कहीं, क्योंकि युवाओं में गुस्सा तो पूरा बना हुआ है भाई, भर्तियों को लेकर कई सालों से भर्तियां नहीं जारी हुई हैं, अगर भर्तियां जारी हुई भी हैं, रेलवे ग्रुप डी को आप उठा लो, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम बना हुआ है, इसलिए सरकार ने सोच समझ कर ये फैसले लिया। नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर ट्वीट करके कहा है सभी जो भी डिपार्टमेंट में उनको ऑर्डर दिए जा चुके हैं कि अपने अपने सेक्टर में कंफर्म करो कि कितने कितने पद खाली है और उनको जारी करो। कब तक? 1.5 साल, मतलब आपको बस चुनाव से पहले ये जितने भी नोटिफिकेशन है ना, जितने भी नौकरी के नोटिफिकेशन है वो चुनाव से पहले आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन है भर्तियों को लेकर सभी
जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे जैसे अपडेट आती रहेंगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी की अपडेट आएगी, मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर नए हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डियर, क्योंकि जो पहले जुड़े हैं वो तो जुड़े हैं ही, लेकिन नए जितने भी छात्र हैं जुड़ जाइए। जितने भी वैकेंसीज आएंगी, अपडेट आएगी, मैं आपको सूचित करता रहूंगा। तो आप लोग जो ये नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, आप इनके मेन अकाउंट पर जाकर, ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल ये 8 घंटे पहले ट्वीट हुआ है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, इसको रीट्वीट भी कर सकते हैं, लाइक वगैरह जो भी आपको पसंद आए आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके अलावा कोई भी आपका डाउट बने, देखो ये भैया अगर किसी नोटिस के अनुसार आता तो हम मान भी सकते थे कि भैया थोड़ा सा फेक है ना, अगर क्योंकि बहुत सारे आजकल नोटिस जारी होते हैं फेक वगैरह जिसको बोलते हैं हम भी, है ना। लेकिन भैया ये ऑफिशियली नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट से यहाँ पर शेयर किया गया, ट्वीट किया गया, नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पर ट्वीट किया है, और लगभग उनके 48 मिलियन भी फॉलोवर आप जानते होंगे, ऊपर जा रही हैं, ऊपर ही 48 मिलियन से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भैया अब थोड़ा सुकून देखने को मिला है। तो जितने भी यहां पर छात्र हैं, चाहे आप आईटीआई छात्र हो, चाहे आप नॉन आईटीआई छात्र हो, ठीक है, तो आप अपनी तैयारी कसकर अब कर लेना, क्योंकि 18 महीने के अंदर अंदर आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। भाई 1.5 साल आपके 18 महीने के लगभग बैठ रहे हैं, तो 18 महीने के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो मुझे ये कहीं ना कहीं भाई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लगी है सभी छात्रों के लिए। 10 लाख वैकेंसी कम नहीं होती मेरे भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, और कंपटीशन जो कम रहता है वो आप लोग जानते होंगे, आईटीआई जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं थोड़ा सा उसमें कम रहता है, तो भाई आईटीआई छात्रों के लिए तो गोल्डन चांस है, ठीक है। इससे अच्छा चांस मुझे नहीं आने वाले समय में आपको दिया जाएगा, क्योंकि जो आपके चुनाव है 2024 में वो नजदीक है, उससे पहले अगर आप नौकरी ले लो, लेना चाहो तो ले लो भाई साहब, नहीं फिर तो फिर दिक्कत ही है, ठीक है, क्योंकि फिर इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, फिर क्या तक जाकर होंगे इलेक्शन, है ना। तो आप लेको लिए गोल्डन चांस है, आराम से तैयारी करो बढ़िया तरीके से, कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको चैनल के माध्यम से सूचित करूंगा। वीडियो अच्छे लगे, आपको पसंद आए जानकारी, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, अगर आपको पसंद आया तो भैया वीडियो को लाइक करना एक, ठीक है, और चैनल के साथ जुड़ जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।